पश्चिम बंगाल में विधानसभा की चूंटी बाद थयेला तोफान विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच गुजरात प्रांत द्वारा वलसाड जिला कलेक्टर ने एक आवेदन पत्र सुपरत करवामां आव्युं हतुं। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा कलेक्टर ने आपवामां आवेला आवेदन पत्र में जणाव्युं हतुं के पश्चिम बंगाल में योजाल विधानसभा की चूंटी बाद फाटी निकळेला तोफानों में अनेक लोगों जीव गुमाव्यो छे, जारे हजारों लोग इजाग्रस्त बन्या छे। साथे साथे असंख्य परिवारोए तेमना घर बार छोड़ीने हिजरत करवानी फरज पड़ी छे। आ अंगे सरकार द्वारा पश्चिम बंगाळना हिंसाखोरी करनारी समो सामे कड़कमां कड़क कार्यवाही करवामां आवे तेवी मांगणी करी छे। किशन खानिया। किशन भाई, आज आवेदन पत्र देने के लिए क्या है, किस प्रकार का आवेदन पत्र दिया गया है? पश्चिम बंगाल ने अंदर जे चूंटणी बाद जे घटना घटी एना संदर्भमां मैं आवेदन पत्र आप्युं छे। पश्चिम बंगाल ने अंदर जे घटना घटी एने अंदर अनुसूचित जनजाति जे कहेवाय छे ने एसी एसटी ए लोकोने जे घणुं नुकसान थयुं छे, त्यां एमना परिवार घर विहोणा थई गया छे, हजारोनी संख्यामां घर छोड़ीने बीजा स्थान उपर रहेवा माटे गया छे, एना संदर्भमां आ आवेदन पत्र अमे आपीए छीए। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा आ आवेदन पत्र एटला माटे के एमनी सुरक्षा थाय ने सरकार एना पर निर्णय लई शके एटला माटे आ पत्रक अमे आपीए छीए। अने बीजू के आ जे घटना घटी एटलू ज नहीं पण त्यांना लोको छे एमने 50 थी वधु लोकोने मारी नाखवामां आव्या छे, परिवार विहोणा करी नाख्या छे, अने 150 थी वधु महिला उपर सामूहिक बलात्कार करवामां आव्या, अने ए बलात्कार ए समाज माटे कलंक छे अने एना ऊपर कोई पण अवाज उठाववा माटे हजु सुधी कोई आव्युं ज नथी सामे के आ जनजाति समाज एसी एसटी समाज छे, तो एसी एसटी समाज माटे अवाज उठाववावाळो कोई अत्यार सुधी उठायो नहीं अने एमने घणुं नुकसान भोगवुं पड्युं, करोड़ों रुपयानी संपत्ति लूटवामां आवी અને એ સંપત્તિ લૂંટી તો ઠીક, પરંતુ જેમની સંપત્તિ બચી એ સળગાવી દેવામાં આવી।